नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है, आज उसका द्वितीय चरण था और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं जिला अस्पताल में, उन्होंने भी टीकाकरण कराया है। इस वीडियो को बनाने का हमारा सिर्फ ये मकसद है कि कोविड का जो टीकाकरण हो रहा है उसमें किस तरह से जैसे जैसे तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, उस अफवाहों पर लगाम लगाने की, उस अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करने के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। इन्होंने आज टीकाकरण कराया है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आपने आज टीकाकरण कराया है। किस तरह से जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि टीकाकरण को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं जी। सबसे तेज न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मैंने जब टीकाकरण वैक्सीनेशन का जब अपना जब मेरा नंबर आया तो मैंने उसको लगवाया, लेकिन मुझे लगा कर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके जो समाज में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ कि मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से कोरोना फ्री इंडिया बनाने के लिए जो ये अभियान और मुहिम चलाई जा रही है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करती हूँ। मैम, किस तरह से क्या प्रोसेस था जब आपने पहले, तो आप लोगों ने देखा था कि इसके पहले वाले चरण में, आज जो दूसरा चरण हुआ उसमें आपने टीकाकरण कराया, तो क्या कुछ प्रोसेस था, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा जी? बेसिकली हमारे पास एक मैसेज आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो मैसेज था कि आज आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल है और आपको इतने टाइम तक ज़िला अस्पताल पहुंचना है। वहां पहुंचने पर हमें एक आईडी प्रूफ ले जाना था और सुरक्षाकर्मी वहां तैनात थे जिन्होंने हमारा आईडी प्रूफ को देखा, उसको वेरीफाई किया और बहुत ही इजीली हमें उस चैम्बर में एंट्री मिली जहां पे वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड था। वहां पे स्टाफ कर्मी जो नर्सेस थी वो तैनात थी और हमारी बारी आने पर हमने तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराया। बहुत ही इजी प्रोसीजर था, बिल्कुल भी जटिल नहीं था। जो कि आपको कागज़ भरने हो, पन्ने भरने हो या कागजी प्रोसेस ज़्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही इजीली एंट्री हुई, बहुत इजी वेरिफिकेशन था और इजी प्रोसेस में ही हमें वैक्सीनेशन लग गई। वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से, जैसे एक आपको रखा जाता था 10-15 मिनट के लिए, उसमें क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ सरकार द्वारा जो मानक है उसके मानक के अनुसार? जी, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो जिनको भी वैक्सीन ये लग रही है उनको आधे घंटे तक निगरानी में रहना है, क्योंकि शायद 100 में एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको थोड़ा बहुत या फिर हल्का उस जगह पर थोड़ी इचिंग हो सकती है या फिर उसको थोड़ी घबराहट हो सकती है। ऐसा किसी किसी में हुआ, किसी के साथ जब तक मैं वहाँ मौजूद रही वहाँ पर ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। और इसी निगरानी को करने के लिए वहाँ आधे घंटे रोका गया था और उतना प्रोसीजर हमने वेट करने के बाद ही हम वहाँ उस हॉल से निकले हैं। अभी भी कोविड को लेकर तमाम सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि सावधानियाँ बरती हैं, तो किस तरह से एक चिकित्सक होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी जो कोविड संक्रमण है वो देश में है और तेज़ी से वो फैल भी रहा है, 123 मौतें हुई हैं अभी 24 घंटों में, तो किस तरह से आप कहना चाहेंगे एक ऐसे चिकित्सक के रूप में, क्या कुछ सावधानियाँ बरतें? कोविड का जो टीका भले लग गया है आज वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंतर्गत हम सभी को, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना को ख़त्म होने में और पूरी तरह से हमारे देश से चले जाने में अभी कुछ टाइम लगेगा। टीकाकरण हो जाने के बाद भी हमें कुछ समय तक जो कोविड के नियम है, जैसे कि हैंड वॉशिंग प्रॉपर इंटरवल पे, हमें मास्क का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो बेसिक रूल हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बताए गए हैं हमें उनका अक्षरशः फॉलो करना चाहिए। और वैक्सीनेशन शेड्यूल अगर आपका आता है तो आपको उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी कि जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं यानी गर्भावस्था में हैं, जो जटिल मरीज़ हैं जिनकी मेडिसिन पहले से चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर पेशेंट्स या फिर कोई ऐसे पेशेंट जिनकी पहले से दवाइयां चल रही हैं, उनको ये टीका अभी तुरंत नहीं लगवाना है और उन्हें पहले डॉक्टरी सलाह के बाद ही इस वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बाकी सभी के लिए ये टीका बिल्कुल सेफ है और जब उनकी बारी आए तो बिना झिझक, बिना घबराहट और बिना अफवाहों पर ध्यान दिए आप इस टीकाकरण को ज़रूर करवाएँ। ये बताया जा रहा है जैसे दो फेज़ में टीकाकरण होना है, पहला आपको भी पहला फेज़ का टीकाकरण लगा, आप कितने दिनों बाद लगना है और किस तरीके से? अब हमारा नेक्स्ट जो शेड्यूल है टीकाकरण का वो करीब एक महीने बाद है,
और उसकी भी सूचना हमें मोबाइल के द्वारा आएगी और उसके बाद ही हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। चलते चलते मैम, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस लोग, हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हेल्थ के प्रति मेरी यही सलाह रहेगी, सभी सबसे तेज़ न्यूज़ के जो दर्शक हैं और सभी के लिए यही रहेगा कि अगर हमें अपने को हेल्दी, फिट और फाइन रखना है तो कोरोना के काल में भी हमें जो नियम हैं जो बताए जा रहे हैं उनको भी आप फॉलो करिए। हेल्दी डाइट आप इस्तेमाल करिए, जो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल जो चीज़ें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल वगैरह ज़रूर खाइए। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाइए, कम से कम 15 to 20 minutes एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक आप लोग ज़रूर करें और नियमित अपना स्क्रीनिंग कराते रहिए कि कहीं आपके बॉडी में कहीं कुछ बदलाव तो नहीं आ रहे हैं, और अगर बदलाव आ रहे हैं तो उनको आप पहले से ही उसके लिए सतर्क हो जाएं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन वो सालों उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिसका नतीजा उनकी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए मेरी यही सलाह रहेगी कि अपने शरीर में आ रहे बदलावों के प्रति सतर्क रहिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए कार्यरत रहिए। चलिए, ये थी नम्रता श्रीवास्तव, डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जो बात कर रही थी कि कोरोना टीकाकरण है जो वो पूरी तरह से सेफ है, किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान न दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।